जल शक्ति विभाग उपमंडल मनेई के अंतर्गत पारगौड़ा पंचायत में वार्ड नंबर 4 में जल शक्ति विभाग द्वारा करीब 2 वर्ष पहले लोगों की प्यास बुझाने के लिए लाखों रुपए की लागत से हैंडपंप लगाया गया था, जिस पर तथाकथित कुछ बाहुली लोगों ने अपने मनमर्जी से विभाग के नाक के तले हैंडपंप पर निजी कब्जा कर लिया है। लेकिन जल शक्ति विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। स्थानीय बुद्धिजीवियों ने बताया कि इस हैंडपंप को कुछ परिवारों के समूह ने निजी मोटर लगा दी है, जिससे इस हैंडपंप का पानी तथाकथित परिवारों के समूह को ही जाता है और बाकी गांववासी पानी के लिए तड़पते रहते हैं। लोगों ने कहा कि इस हैंडपंप पर कब्जा करने वाले लोगों ने विभाग से भी कोई NOC नहीं ली है और न ही विभाग को इस बारे में सूचित करना जरूरी समझा है। आपको बता दें कि चंगर क्षेत्र में पानी की किल्लत सदा बनी रहती है, वहां पर कुछ लोगों द्वारा सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर लिया गया है। बुद्धिजीवियों ने बताया कि विभाग द्वारा हैंडपंप पानी से संबंधित मुश्किलों को देखते हुए लगाया गया था, पर पानी को लेकर निजीकरण हुआ है, इसलिए अब गांववासी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने विभाग से मांग की है कि यदि विभाग ने परमिशन दी तो क्षेत्र के सभी हैंडपंपों पर जो परमिशन लेना चाहता है उसको परमिशन दी जाए, नहीं तो इस सरकारी हैंडपंप से भी मोटर जल्द से जल्द उखाड़ी जाए। ग्रामीणों द्वारा जल शक्ति विभाग को एक शिकायत पत्र भी इस पे सौंपा गया है। इस मुद्दे पर जल शक्ति विभाग शाहपुर के अधिशासी अभियंता सुमित बिमल कटोच ने बताया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है, जिसकी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लोगों के हित में लगाए गए हैंडपंप पर बिना अनुमति कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नमस्कार जी, जो आपने मेरे ध्यान का मामला लाया, मैंने प्रभोड का हैंडपंप, जो विभाग द्वारा कोई हैंडपंप लगाया गया है जिसपे कुछ लोगों ने उसपे बिना विभाग की अनुमति के वहाँ पे मोटर लगा दी है और उससे कुछ ही परिवार जो है लाभान्वित हो गया, बाकी को उन्होंने बिल्कुल उससे उस हैंडपंप से उनको वंचित कर दिया है। तो ये मामला इससे पहले मेरे ध्यान में नहीं था, जैसे अभी आपने बताया तो मैं फिर से इसके बारे में इंक्वायर करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा। और जहाँ तक बिना विभाग की अनुमति के या बिना NOC के कोई भी जो है हैंडपंप में अपने आप से मोटर या उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, ये मैं इस यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। धन्यवाद।